अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जो थे वो 25% तक टूट गए और इससे अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब जब ये खबर सामने आई तो एक और बड़ी जो बात थी वो निकली कि बीमा कंपनी LIC का इस कंपनी में, अडानी कंपनी में निवेश है। और 27 जनवरी को जब शेयरों में गिरावट आई तब LIC को भी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस सब के बाद से सवाल उठने लगे कि अडानी ग्रुप में LIC के निवेश करने से बड़ा नुकसान हुआ है LIC को। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होने लगी इसके बाद से, लेकिन अब LIC ने जो है इस पर सफाई पेश की है। LIC का कहना है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके उसे नुकसान नहीं बल्कि 26,000 करोड़ रुपए के फायदे जो हैं वो हुआ है। LIC ने बताया है कि उसने अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में कुल मिलाकर 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शुक्रवार 27 जनवरी के बंद भाव पर LIC के इस निवेश की वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब है कि LIC अगर अभी अडानी ग्रुप में किए अपने सभी निवेश को बेच देता है तो उसे कुल 56,142 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो उसके मूल निवेश से करीब 26,016 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी LIC अभी अडानी ग्रुप के शेयरों में 26,016 करोड़ रुपए के फायदे की स्थिति में है और ना कि नुकसान, जिस तरह की बातें हो रही थी। LIC ने यह भी बताया कि अडानी ग्रुप में जो उसने निवेश किया है वो उसके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM का सिर्फ 0.975% है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने जोर देकर बताया है कि अडानी के डेट सिक्योरिटीज की रेटिंग AA और इससे ज्यादा है, जो निवेश के लिए बीमा नियामक IRDAI यानी कि IRDAI की तरफ से रखे शर्तों को पूरा करता है। वो बता दें शुक्रवार की बात है ये, 27 जनवरी को जब अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में सभी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। कुछ कंपनियों में तो ये गिरावट 20% तक की थी। शेयरों का भाव गिरने से उन कंपनियों में जिन्होंने निवेश किया था उनके निवेश की वैल्यू भी गिर गई। उदाहरण के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले अडानी ग्रुप में LIC के निवेश की वैल्यू करीब 72,200 करोड़ रुपए थी। 27 नवंबर को अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट के साथ ये निवेश की वैल्यू भी घटकर 56,000 करोड़ रुपए पर आ गई। इससे LIC के निवेश की वैल्यू एक दिन में करीब 16,200 करोड़ रुपए घट गई। LIC के निवेश वैल्यू में आई यही गिरावट सुर्खियों में थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए हैं और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 20-25% तक टूट गए थे और सोमवार को भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने भी इस रिपोर्ट के का जवाब भी दिया है। हालांकि हिंडनबर्ग जो है अभी भी उनके जो जवाब है उनसे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा।